बच्चों, ये मैंने एक्टिविटी ली है। इसमें मैंने ये कलर लिया है और ये कार्बन डोक से मैंने कार्बन बनाया है। ठीक है, ये मैजिस्टिक्स है। इस मैजिस्टिक्स में हम दो तरीके से कर लेंगे। ये बॉन्ड की तरह एक्ट करेगा और ये जो इसमें इसका मसाला है, ये हाइड्रोजन और ये बॉन्ड। ठीक है, और इसमें ये दो तरीके के लिए है मैंने। ये सिंपल डो है जो कार्बन की तरह लिया है, और ये ऑक्सीजन है, इसको मैंने इसी कलर से कलर कर लिया है। बच्चों, इसमें देखो, यहाँ पर मैंने एक मीथेन बनाया है। ये देखो, यहाँ पर ये कार्बन एटम, वन कार्बन एटम, और ये फोर बॉन्ड्स हैं। इन फोर बॉन्ड्स की हेल्प से यहाँ पर फोर हाइड्रोजन एटम, 1, 2, 3, 4, तो यानी कि फोर हाइड्रोजन एटम फोर बॉन्ड से इस कार्बन से अटैच्ड हैं। तो इन्होंने क्या बनाया है, मीथेन। सिमिलरली यू सी हियर, दिस इज इथेन, टू कार्बन एटम्स, वन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं ये। ठीक है, और ये बॉन्ड्स हैं, तो सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड हमारा बना हुआ है। अब बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, ये इथेन है, इधर से इसका हम साइड का हाइड्रोजन हटा देते हैं एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, और इनके बीच में हम एक और बॉन्ड जो है इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं यहाँ पर। अब आप देखो, यहाँ पर दो बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हैं, और ये हमारे एक एक हाइड्रोजन एटम इस तरीके से यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। ऑफ कोर्स, अब ये क्या हो गया हमारा, एथीन। ठीक है, ये हमारा एथीन का स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही आप थर्ड नंबर पर आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन और आप हटा दीजिए, तो अब ये हमारा क्या बन गया, और एक बॉन्ड आप और यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, तीन बॉन्ड हो गए अब यहाँ पर हमारे। ठीक है, और इसको आप चाहें तो यहाँ से हटा के इस तरीके से लगा दीजिए, तो ये अब आपका हो गया इथाइन। ठीक है, यानी कि तीन कार्बन बॉन्ड, 1, 2, 3, और इधर एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, इथाइन। अब बच्चों, इस स्ट्रक्चर में आप देखो, ये इथेन था पहले। ठीक है, इसमें दो कार्बन एटम जैसे मैंने आपको बताया था बना के, और ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अटैच्ड है। अब यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से हटा दिया, और ये O और H ग्रुप मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, O ऑक्सीजन है और H, तो मिलकर के क्या बना लिया उसने, एल्कोहल ग्रुप। अब ये O एल्कोहल ग्रुप इथेन में ऐड हो गया, तो क्या बना लिया इसने, इथेनॉल। अब बच्चों, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, इसमें देखो 6 कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, और ये हमारा हर एक कार्बन एटम दो दो हाइड्रोजन एटम से भी अटैच्ड है, और यहाँ पर ये सिंगल सिंगल बॉन्ड सबके साथ में बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से, तो हर एक कार्बन की चार बॉन्ड की वो सेटिस्फाइड हो रही है, हाइड्रोजन भी अपना शेयरिंग कर रहा है, तो इस तरीके से हमारा साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इसको हम बेंजीन में भी बना सकते हैं, हमें यहाँ से एक हाइड्रोजन सब में से हटाना पड़ेगा यहाँ से, और एक एक बॉन्ड ऑल्टरनेट उस पर। ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, और यहाँ से एक बॉन्ड और हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा बेंजीन बन जाएगा। तो आप देखिए, मैंने आपको यहाँ मीथेन और ये इथाइन, इथाइन भी हमने पहले इथिन बनाया, फिर एथिन बनाया, फिर इथाइन बनाया, और ये इथेनॉल बनाया, और ये हमने यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बनाया। ठीक है।